आपका नाम जपते रहते हैं, मतलब हर तरफ से, चाहे दिल्ली का कोई भी मामला हो तो आप बहुत दिल के करीब हैं, इसका क्या रीज़न है? नहीं देखिए, मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत की जो परिणति है वो अभी हुई नहीं है। हमने 4 लोगों को भेजना था, अभी 3 ही गए हैं। और मैं ये बात लेकिन कहना चाहता हूँ गंभीरता से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में आंदोलन बहुत हुए हैं, लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, लेकिन उसको लॉजिकल कंक्लूजन में कितनी बार ले जाया गया? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन किए, लड़ाई करी, लेकिन उन्होंने लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, उन्होंने उसको कंक्लूड नहीं किया। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठाए, उनको लॉजिकल एंड तक लेके नहीं गए। लेकिन इस देश में हमारी आंखों के सामने दिल्ली में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, 2017 में हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी, दिल्ली वालों ने ये लड़ाई शुरू की थी, और देश की पहली एंटी करप्शन फाइट है ये, जिनके खिलाफ शुरू हुई थी, वो लॉजिकल एंड में एक एक करके वो सब जेल में जा रहे हैं। हमने 2017 में बोला था मनीष, सत्येंद्र और केजरीवाल, तीनों की अंतिम गति तिहाड़ जेल होगी, और 3 में से 2 आज तिहाड़ जेल के अंदर है। मुझे लगता है भ्रष्टाचार के खिलाफ चली देश की कितनी लड़ाइयों में शायद ये पहली लड़ाई है जो अपने लॉजिकल एंड की तरफ जा रही है, और इसका एप्रिसिएशन होना चाहिए कि लोगों ने इस लड़ाई को कानून के माध्यम से भी लड़ा, केवल नारों के माध्यम से नहीं लड़ा। मेजर दत्ता सर आ रही हूँ आपके पास वापस। मेजर दत्ता, इसके पहले हमने देखा भी पप्पू यादव यहाँ मंच पर थे, उसका जिक्र भी आप लोगों ने भी किया, सभी लोग सुन रहे थे उनकी बात को। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि आप देश में जाति में बांट रहे हैं। जाति में कौन बांट रहा है, जाति का जनगणना किसने कराई है, सबने देखा। वो बार बार ये बात कर रहे थे, लेकिन कह रहे चीन और पाकिस्तान को आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कई उदाहरण है सामने, उसके बाद भी सबूत मांग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, बार बार एक चीज़ कहने का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं ये? पप्पू यादव ने कहा है, देखिए ऐसा है कि अगर आप हिस्ट्री देखें हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, 1947 के बाद जब हमारी आज़ादी हुई, सबसे पहला हमला किसने किया हमारे ऊपर? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने हमला किया, और J&K के अंदर जो आप लोगों ने जो हिस्ट्री को जानते हैं, मेरे अपने फादर J&K स्टेट फोर्सेस में थे, और उस समय जब ये जितने रजाकार और पाकिस्तान की आर्मी भेस बदल के J&K के अंदर, श्रीनगर के अंदर आए, उस समय J&K स्टेट फोर्स खुद लड़ रही थी, और जब महाराजा ने सेशन के कागज़ के ऊपर साइन कर दिया, उस समय तुरंत इंडियन आर्मी को मोबिलाइज करके श्रीनगर में एयरलिफ्ट किया गया, और पाकिस्तान के जितने लोग अंदर घुसाए थे हमारे, श्रीनगर एयरफील्ड तक पहुँच चुके थे वो, उनको धक्का मारते 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 पीछे ले जा रहे थे हम लोग। कोटली में मेरे फादर थे, अगर आप लोगों ने मीरपुर कोटली का नाम सुना हो, 3 महीने तक वो एक कंपनी के साथ लड़ते रहे पाकिस्तानियों के साथ, उनको अंदर नहीं आने दिया। फिर हमारा पैरा ब्रिगेड नौशहरा के माध्यम से जाके लिंकअप हुआ मीरपुर कोटली में, और कोटली में पहुँचने के बाद हुक्म आया कि साहब कोटली को खाली कर दीजिए। कोटली को खाली क्यों किया गया, ये मेरी चर्चा चल रही थी हमारे मित्र के साथ, तो ये किसको मालूम नहीं, जो कोटली हमारी फौज कब्जा करके बैठी है उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि हुक्म आया कि हमें मीरपुर कोटली पुंछ रजौरी से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी जो डोमिनेशन एरिया है उससे बाहर है। और डोमिनेशन एरिया कौन सा? श्रीनगर वैली। और कौन थे उस समय? शेख अब्दुल्ला या जो भी थे जिनका इन्फ्लुएंस था, उनके चलते मीरपुर कोटली पुंछ तक, पुंछ को एक ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने बचाया, लड़ाई ख़त्म होने के बाद उन ब्रिगेडियर साहब का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तो ये तो एक अलग चर्चा है। अभी आप बोलेंगे साहब हमने क्या जवाब दिया, जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान की फौज को धक्का मार के पीछे कर रही थी, यूनाइटेड नेशन में कौन गया? पाकिस्तान की हिंदुस्तान। तो हमें ये सोचने की बात है, नहीं तो आज के दिन में कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होती, पूरा जो हम POK बोलते हैं अभी हिंदुस्तान का ही होता वो। दूसरा बात, अभी जब 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, उस समय इंडियन आर्मी की तैयारी ही नहीं थी, इंडियन आर्मी की लीडरशिप, इंडियन आर्मी के उस समय के जनरल इस प्रकार के लोग लगा दिए गए जो रिश्तेदारी में थे, जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था फाइटिंग इन माउंटेंस और उस तरह की युद्ध का। उस समय हमारा जो इक्विपमेंट, हमारा कपड़ा लत्ता, जैकेट, वार्म क्लोथिंग थे ही नहीं, प्लेन्स में से उठा के हमारी फौजियों को वहाँ हाई एल्टीट्यूड में भेज दिया, वलोंग से लेके चसूल तक। तब भी इंडियन आर्मी ने जहाँ लड़े ऐसी मुंह तोड़ की मार मारी चाइना को, वो आज तक याद रखता है। लेकिन जहाँ पर वो हम तैयार नहीं थे, हम सरप्राइज हो गए, लीडरशिप नहीं थी,
वहाँ पे जरूर इंडियन आर्मी को पीछे आना पड़ा। वो जो हमारे ऊपर दाग लगा 1967 में नाथुला में इंडियन आर्मी ने मार मार के चीनियों को लिटा दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उसके बाद से चीन कभी बोला नहीं 1967 से लेके आगे तक, जो बाद में 1985 में थोड़ा इन्होंने हरकत करी, उसके बाद भी इंडियन आर्मी वापस गई। लेकिन जब यही पाकिस्तान और यही चीन 1965 की जंग हुई, 62 की जो मार खाई थी, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने पाकिस्तान को एक जवाब दिया जो तगड़ा जवाब था। मैं इसलिए ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद मैं आज के दिन पे आऊँगा। 65 की लड़ाई में हम जंग जीत चुके थे, सीज फायर हुआ किसके माध्यम से आप सबको मालूम है। उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री रूस रशिया गए और वहाँ अयूब खान साहब गए और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, और जो चीज़ें हमने कब्जा करी थी हमने वापस दे दी, हाजी पीर वापस कर दिया। जब जो हमारे पास इलाका था 1950 स्क्वायर किलोमीटर वो वापस कर दिया, पाकिस्तान के पास सिर्फ 500 स्क्वायर किलोमीटर था, तो हमने वो जीती हुई जंग हार दी। उसके बाद में आप आ जाइए 71 की लड़ाई, हमने पूरा हमला करके ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, 93,500 PW हमारे कब्जे में। आज के हम बात करें IC-814 हाईजैक हुआ, वहाँ गया कंधार, कितने पैसेंजर थे उसमें, 180, पूरे दुनिया के घुटने टिक गए कि साहब हमारे रिश्तेदारों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। आज के दिन में 200 होस्टेजेस हैं कहाँ, हमास के पास, इसराइल के, पूरी दुनिया उसके पीछे लगी, हम कैसे इन होस्टेजेस को बताएं। आप सोचें 93,500 PW हमारे पास और हमने पाकिस्तान के घुटने नहीं टिकाए, हमने J&K का मसला हल नहीं किया, वो मसला आज तक चल रहा है। बिल्कुल विक्रेता सर, मैं एक मिनट 30 सेकंड और लूँगा। उसके बाद में जो कार्रवाई हुई उग्रवाद, जहाँ बम वहाँ बम, 26 क्या रिस्पांस दिया, कुछ नहीं। उसके बाद उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, रिस्पॉन्स गया, उसको पता चल गया चाइना ने गलवान में कोविड के दौरान ये सोचा कि अभी तो हिंदुस्तान को हम पीट लेंगे, कोविड के चलते मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। 15 दिन के अंदर 50,000 फौजी इंडियन आर्मी पहुंच गई वहां पर गलवान में और चीनियों को पीट पीट के मारा। वहां चीन एक सुपरमैन बन चुका था, पूरी दुनिया डर रही थी चीन से। जब चीनी पिटे, दुनिया ने देखा हिंदुस्तान की फौज ने चीनियों को पीटा, चाहे डोकलम में हो चाहे गलवान में हो, ये रिस्पॉन्स आज के दिन में हिंदुस्तान का। और मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, कोई भी देश आज के दिन में हिम्मत करके देखे, ऐसी मुँह की खाएगा वो कि जिंदगी भर याद रखे।